और आज चाहते हैं कि यहाँ पर आज एक प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में लोगों से बात करता हूँ कि आज क्या प्रोग्राम सर इसके जरा बताइए जी। नमस्कार दगड़ियों, आज हम यहाँ गढ़वाल भवन में आया था और ये घुघुती फाउंडेशन का एक इंट्रोडक्शन कार्यक्रम है और होली मिलन समारोह है जिसमें कि वो जो घुघुती फाउंडेशन अपने फाउंडेशन के माध्यम से जो जो अपना सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसके लिए आज वो एक इंट्रोडक्शन था। हमारे उत्तराखंड प्रवासी जो दिल्ली NCR में रहने वाले जो हमारे उत्तराखंडी वासी हैं उनके साथ एक इंट्रोडक्शन आज कार्यक्रम और होली मिलन कार्यक्रम था, तो इसमें हम लोग आज शिरकत होने के लिए आए हुए हैं। इसमें हमारे आदरणीय हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के भगवती प्रसाद जुयाल जी, बहुत ही सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर भाई सोनू वर्मा जी और हमारे हरिंदर रावत जी, बहुत ही बड़े कलाकार हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे बहुत ही प्रसिद्ध ब्लॉगर भाई मुकेश जी। और मैं आप सभी से निवेदन भी करूँगा कि आप इनके चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें। बेसिकली आज का जो कार्यक्रम है इसमें जो ये घुघुती फाउंडेशन है ये एक नेचर और क्लीन पे काम कर रहे हैं, और उसी के लिए आज इन्होंने जो पहाड़ पे कैसे हम लोग जो लोग टूरिस्ट जाते हैं उसमें वहाँ गंदगी करते हैं और उसको साफ सफाई करने का इन्होंने बीड़ा उठा रखा है, तो उसी को इंट्रोडक्शन करने के लिए आज कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं घुघुती फाउंडेशन का, इसी के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें बहुत ही सुप्रसिद्ध हमारे उत्तराखंड के कलाकार संगीतकार इसमें और बहुत ही बड़े सामाजिक सेवा समाज सेवी है वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। तो अच्छा, आज यहाँ का मौसम जब हुआ कैसा, मतलब कैसा लग रहा कि होली समारोह भी मनाया गया समय मैंने, तो होली में क्या क्या चीज़ किया गया, कुछ नया स्पेशल हुआ यहाँ? अभी स्टार्टअप काम, अभी कार्यक्रम थोड़ा इन्होंने लेट ही रखा हुआ है, लेट ही स्टार्ट करा है क्योंकि आज वर्किंग डे है तो इसलिए इन्होंने लेट कार्यक्रम शुरू करा है। और अभी जो यहाँ पर तिलक लगा के और जो भी यहाँ पर अतिथि आ रहे हैं उनको एक सम्मानित कर रहे हैं अपने पटके से और मालाओं से और बहुत ही फूलों से और रंगों से यहाँ पर होली अभी चल रही है और इसी के लिए कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे आज के इस पर? भाई मैंने सारी बातें हमारे छोटे भाई संजय चौहान, तो आपको क्या अच्छा लगा यहाँ के एड्रेस अभी यहाँ करके? हाँ, संजय चौहान जी ने तो काफी बातें आप लोगों को बताई दी है, और मेरी आपसे क्या अभी पिछले एक दिन पहले भी मेरी गढ़वाल भवन में आपसे मुलाकात हुई थी, और भाई ऐसा है कि हमारा जो उत्तराखंड जो है ये पूरा वीकेंड जो है हमारा जो है होली पर्व के लिए जो है मनाया जा रहा है। आज जो है घुघुती फाउंडेशन वाले जो है अपने गढ़वाल भवन में जो है होली पर्व के बारे में जो है और होली को बड़े शानदार ढंग से जो है इसको जो है मना रहे हैं, और ये मनाना भी चाहिए क्यों कि हमारे उत्तराखंड की भैया हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है, हमारी वेशभूषा और हमारे कल्चर को जो है बढ़ावा देता है, ताकि भैया हम जो नए यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भैया अपनी भाषा को ना भूलें, अब सबसे पहले जो है हमारी अपनी भाषा है और भाषा ही जो आपकी पहचान है, तो हमें अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए। तो आज जो है बड़े शानदार ढंग से जो है होली पर्व मनाया जा रहा है, बड़े अच्छे हमारे उत्तराखंडी गीतकार संगीतकार जो है आए हुए हैं और बहुत ही शानदार ढंग से जो इसको मना रहे हैं। सर, और हमारे जो लोग जुड़े हैं हमसे उनको क्या कहना चाहिए जो भाई? मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा है, एक तो सबसे पहले आपके चैनल को भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है इसको जो है शेयर भी करें, और मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि भैया देखो हम उत्तराखंडी भाइयों को एकजुट रहना चाहिए, आपस में कोई मनमुटाव नहीं रहना चाहिए, अगर किसी के प्रति कोई द्वेष भावना भी है तो आज के दिन भैया इसको जो है पूरा अच्छे ढंग से जो है एक कंप्रोमाइज करके और भाईचारा को आगे बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। सर ने काफी चीजें बताई हमें और आज हमें भी एक चीज नई सीखने को मिलती है, जिस प्रकार से सर ने बताया कि होली किस लिए मनाई जाती है और हमें कैसे एकजुट रहना है, लेकिन आजकल क्या है हम लोग भाषाओं में बदल रहे हैं, भाषाओं में न बदले और जो हमारे को चीज दी गई है उत्तराखंड जिसे कहा गया है उसको बनाना है हमने। सर मैं आपसे थोड़ा सा मैसेज ले सकता हूँ? सर आप भी कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए, जैसा कुछ आज कैसा है मौसम यहाँ का हो रहा है किस तरह से? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देता हूँ कि आप अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के और ये हमारे संस्कृति और समाज के लिए अपना ये समय निकालते हैं, और जो भी गतिविधियाँ समाज में हैं समाज को इकट्ठा संजोने के लिए, बोली भाषा को संजोने के लिए जो जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आपकी अग्रणीय भूमिका रहती है,
और ये जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण एक पहलू है कि हम लोग अपनी संस्कृति को जानें, समझें और उसका अनुसरण करें। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर रंगोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ पर घुघुती फाउंडेशन द्वारा रखा गया है, तो सर्व समाज हमारा जितना भी पहाड़ी समाज है, उत्तराखंडी समाज है, सब यहाँ पर एकत्रित हुआ, सब इंजॉय कर रहे हैं और अपने जो प्रवास में रहते हुए यहाँ पर जो ना ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे हम पहाड़ के पहाड़ में ही अपने जो ना होली मना रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ने एक अच्छी बात कही कि आज हम दिल्ली शहर में तो रह रहे हैं लेकिन हम पहाड़ों की खूबसूरती, पहाड़ों के रंगों को यहाँ लाकर एक साथ संजो कर ये कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है जिस प्रकार से ये लोग। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बाकी तो मेरा नाम सोनू वर्मा है, मैं एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हूँ। बाकी सब तो सबने बोल दिया, लेकिन जब होली का पर्व है और गाने की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है। मैं दो लाइन एक गीत की गुनगुनाना चाहता हूँ। पिचकारी सरररररर कैन मार तररररररर, पिचकारी सरररररर कैन मार, रंग मत भिजेगे हो होली आएगे, बसंत ऋतु मा होली आएगे। धन्यवाद। क्या बात है सर, काफी अच्छा कहा। ये होली का गाना जो गाना बहुत अच्छा लगते थे और हमारे जो लोग हैं होली बड़े प्यार प्रेम से खेले और जिस प्रकार से फूलों से होली खेली जा रही है हमारे उत्तराखंड में, जहाँ भी जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, जहाँ भी मैं प्रोग्राम को शूट कर रहा हूँ, मैंने अभी तक देखा कि फूलों की होली इतनी प्यारी होली हो रही है और ऐसी आप खेलते रहे फूलों से, संग रंगों के साथ तो सभी खेलते हैं लेकिन फूलों से जो खेलोगे तो फूलों की तरह खेल जाओगे, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सभी का करें, बिल्कुल सब आ रहे सर, थैंक यू सो मच आपका सर, बहुत धन्यवाद आपने सर, आपसे मैं कहूँगा आपका आपका बहुत धन्यवाद आपने हमें अपनी कीमती समय दिया सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर आपका, सर आप भी दीजिए, थैंक यू सो मच भाई, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बिल्कुल। हम आ गए आज ऐसे प्रोग्राम में जो होने वाला है रंग उत्सव, कहते हैं रंगों के साथ खेलो होली, रंगों के साथ कम खेलो लेकिन खेलो फूलों के साथ होली, क्योंकि हमारे उत्तराखंडवासी सारे अभी तक फूलों की होली खेल रही है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता कि मैं थोड़ा बहुत लेट होगा क्योंकि 7 बजे पहुँचा हूँ, यहाँ 5 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट था और थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि ऑफिस के वजह से लेट हुआ था, लेकिन अब हम करेंगे सारा कैप्चर, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ नए युवा है तो मैं तो सभी युवा इधर आ जाइए मेरे पास, जरा सा आइए आजिए। अभी अच्छा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सबसे पहले अपना नाम बताइए पहले। माय नेम इज वरुण। और आपका? मोहित। आपका? सागर। और आपका भैया? नीरज आर्य। नीरज राव का नाम क्या है? नीरज। तो दो दो नीरज आ गए हमारे पास यहाँ, तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ कोई रंग उत्सव में, कैसा मजा? अच्छा लग रहा है और बहुत हमने एंजॉय करा, डांस भी करा। बेस्ट क्या लगा आपको यहाँ पे? मतलब सिंगर आए, अच्छे अच्छे डांस करा। कौन कौन से सिंगर यहाँ पर आए? यहाँ पे रोहित चौहान भी आए हैं और क्या नाम है, पन्नू गोसाई भी आए हैं सर, जो दिल की धड़कन पन्नू गोसाई यहाँ पहुँच चुके हैं, है ना? और उन्होंने अभी गाना गाएंगे और उस पर डांस करा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने काफी एंजॉय किया, मैं चाहता हूँ की अभी इस टाइम जैसा अभी चल रहा है प्रोग्राम अंदर कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं वो क्या देंगे, जैसे आप लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं प्रोग्राम में? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए और अपनी रीति को देखना चाहिए, हमारी रीति क्या है, पहाड़ी कल्चर बढ़ रहे हैं हमारे, पहाड़ी कल्चर को बढ़ाना जरूरी है, हम चाहते हैं कि अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़े रहें और जितने भी लोग हैं, जितने भी अभी तक जो नहीं आ रहे हैं इस जगह पर, उन भारी संख्या में आकर इसी तरह लुत्फ उठाए। और अभी और कुछ कहना चाहोगे नए युवा को? अभी होली कैसे मनाना है, अभी मनाई है आपने यहाँ पर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? तो हमने आके खूब डांस वगैरह करा, मतलब एंजॉय करा हमने। होली का कुछ नहीं, होली का भी है, मतलब सब बता रहे हैं यहाँ पे हमारे पहाड़ों में कैसे होली मनाई जाती है, हर चीज का बता रहे हैं यहाँ पे। मैंने सुना यहाँ पर और कुछ चीज के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में भी बात की गई है, मतलब मैं नहीं था लेकिन यहाँ पर मुझे सुनाई गया कि एनवायरमेंट के बारे में बात की है कि हमारे पहाड़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और साफ सुथरा कैसे बनाया जाए, इसके बारे में कुछ नहीं? अभी वैसे भी हम भी थोड़ा लेट आए, हम भी थोड़ा। और आपको कैसा लग रहा है बाकी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और मोहित जी आप भी बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत एंजॉय लगा, एंजॉय फुल। हां जी, आपका एंजॉय कैसा? बहुत मजा आया डांस। इन सभी लोगों ने खूब एंजॉय, खूब डांस किया, मैं चाहता हूँ कि और भी एंजॉय करें, अभी बहुत सारे सिंगर गाना गाने ले, तो मनोज आर्य के गाने में होने वाला है बड़ा धूम होने वाली है और रोहित चौहान जी के गाने में भी धूम होने वाली है और हमारे पन्नू दातो सुपर डुपर हिट चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते भाई से बात करिए, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे जुड़े रहे और आते रहे और इस तरह से संस्कृति सभ्यता जुड़े। चलिए चलते हैं अंदर का प्रोग्राम दिखाते हैं किस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों चलते हैं, एक ऐसे भैया हैं जो यहाँ पर उत्तराखंड की कल्चर की चीजों को दे रहे हैं, जो ट्रेडिशनल आजकल लोग पहनते हैं, तो सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएंगे जरा सा भैया? मेरा नाम है जी वासुदेव। वासुदेव जी, क्या स्टैंड बेच रहे हैं यहाँ पर, क्या सेल कर रहे हैं जरा सा हमें बताएंगे? ये उत्तराखंड की जो धरोहर है सर, धरोहर में मतलब क्या चीज, धरोहर क्या है मुझे तो बताइए, मैंने देखा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा धरोहर क्या चीज है, तो इसे कहते हैं हमारे उत्तराखंड की जेवर, जो जेवरात होते हैं, और भी क्या चीज है हम दिखाना चाहेंगे? ये बुलाक है,
और ये गुलोबंद है जो हम गले में बांधते हैं। ये किस प्राइस में आप दे रहे हैं? ये 300-300 रुपए का। ये आपको उत्तराखंड की ऐसी ज्वेलरी है जो हमारी औरतों की शान और आन सबसे बढ़ाती है और खूबसूरत पैटर्न से बनाई हुई है, बहुत सुंदर, ऐसा लगा कि सोने की चीज है। तो आपको 300 रुपए में दे रहे हैं यहाँ पर। और भी क्या चीज अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे? 150 रुपए का है, 150 रुपए का टीका है। और एक जरा हमारी उत्तराखंड की टोपी दिखाई, आजकल मोदी भी पहन रहे हैं, जो मोदी जी भी पहन रहे हैं उसको दिखाई, कौन सी कलर की पहन रहे हैं? और ये लाल वाली दिखाई, 100 पर रखी गई है। तो आपकी पसंद मोदी की टोपी, ये ज्यादातर मोदी जी पहनते हैं। हमारे अभी जो हमारे धामी जी वो भी किसको पहनते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपने ये कितने के अभी बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं? 150 रुपए की। आपको 150 में आपको ये टोपी मिल सकती है, आप अगर ले सकते हैं। किस नाम से आपका ये बताएंगे जरा मुझे? ये वैदही नाम से है। कहाँ पर है ये ब्रांच की? मयूर विहार से सर। तो वैदही के नाम से ये ब्रांच की ब्रांच है जो न्यू ईयर के अंदर है। आप वहाँ से जाके ले सकते हैं अपने उत्तराखंड के कल्चर की हर चीज। क्या क्या चीज आप रखते हैं वैसे? ये सारी ये टोपी ज्वेलरी है। तो टोपी ज्वेलरी सारी अन्य पदार्थ की चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। और मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों को हम अपडेट करें, बातें करते चलो आगे। ग्रीन रूम के अंदर दिखाते हैं किस प्रकार से कौन कौन है यहाँ पर और किस किस को हम अपडेट करना है। और ग्रीन रूम के अंदर दिखाने तो नमस्कार दोस्तों, मेरे जितने भी यूट्यूबर्स मेंबर्स हैं अभी आज हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं जिनकी मैं तारीफ करूं उतनी कम है, वो हमारे पन्नू दा है। इनकी तारीफ हर किसी चीज में, ये एक्ट में या गाने में, किसी चीज में अपना 100% देते हैं। मैं आज चाहता हूं कि पन्नू दा हमारे लिए कुछ बात बोले कुछ लोगों को, तो आप कुछ बोलना चाहिए सर हमारे? सबसे पहले तो यूके पहाड़ी ब्लॉक से सभी दर्शकों को पन्नू दा का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले भाई धन्यवाद आपका भी करूंगा कि आपके माध्यम से मुझे इतने लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। दोस्तों हमारे भाई यूके पहाड़ी ब्लॉग्स दिल्ली में या NCR में जब भी कोई बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज होती है, तो भाई बढ़ चढ़कर आप तक हमको पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ा बड़प्पन है, ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और भाई अगर जो भी वीडियो देखा है ना, सबसे पहले तो भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। सर मुझे भाई क्या पूछना चाहते हैं? मैं सर ये चाहता हूँ कि अभी जो हमारा एक होली का त्यौहार आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक मतलब ऐसा कुछ बोलिए जो कि लोगों को अच्छा लगे जब होली का त्यौहार मनाते हैं। भाई दोस्तों होली तो एक रंगों का त्यौहार है जिसे हम लोग सभी बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, लेकिन आजकल रंग बड़े वैसे आने में केमिकल है ना, तो भाई खासकर छोटे बच्चे तो बहुत दूर रहे रंगों से। आप गुलाल लगाए जो आजकल चल रहा है ना, गुलाल हर्बल गुलाल चल रहे हैं, आप उनको यूज कीजिएगा। और ज्यादा ज्यादा घर में रहिएगा, पानी भी ज्यादा वेस्ट ना करें, और टीका लगाए, होली मनाए, पकौड़े खाए, मिठाइयाँ खाए और गले मिले। और ये तो एक भाईचारा का त्यौहार है, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई जो भी दुश्मन है वो भूल जाए दुश्मनी, और इस चैनल के माध्यम से ही आप लोग गले मिल जाए, एक हो जाए। और आप सभी को होली की बहुत 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 सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि पन्नू दा, सभी कहते हैं कि यार पन्नू दा दिखने में भी स्मार्ट है, चीज़ है, लेकिन एक छोटा सा गीत भी हो जाए, बहुत आजकल गीतों में आप बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, छोटा सा दो लाइन कोई चीज़ क्या लगा? गीत अब विदाउट म्यूजिक गाऊंगा तो सर लोग भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, भागे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अनसब्सक्राइब चाहिए, लेकिन पन्नू दा का गाना चाहिए। देखिए आजकल वो क्रीम पाउडर तो सभी सुन रहे हैं, मैं दो लाइन गा देता हूँ। वो क्रीम पाउडरा घसने की लैन है, वो क्रीम पाउडरा घसने की लैन है, छोरी निर्मला समझी की लैन है, छोरी निर्मला समझी की लैन है, वो सब नस गई ओन की लैन है, वो सब नस गई ओन की लैन है, छोरी निर्मला समझी की लैन है, निर्मला समझी की लैन है। देखो हमारी निर्मला जी आ गई, आइए नमस्कार, आइए नमस्कार। आप निर्मला जी देखो यहाँ, देखो जी यहाँ हमारे कलाकार एक और आ गए हैं। ये है हमारी निर्मला जी, तो अभी इन्होंने डांस किया था बढ़िया गाने में, तो एक मिनट आप, एक मिनट तो काफी अच्छा लगता है। आप शुभ नाम जान सकते हैं? मेरा नाम बबली अधिकारी है। बबली अधिकारी जी हमारे बीच में, आज मैं चाहता हूँ कि आप कैसा लग रहा था यहाँ पर, ये रंग उत्सव में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। और हमें घुघुती फाउंडेशन की तरफ इन्विटेशन मिला था, उन्होंने हमें बुलाया था, स्पेशली बुलाया और हमें मान सम्मान भी दिया, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे जो व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे होली के उपलक्ष्य में? मैं सबको हैप्पी होली कहूंगी और कहूंगी कि बहुत अच्छे से एंजॉय करें, और स्पेशली अपने हमारे जो गढ़वाली उत्तराखंडी भाई बहन है, बहुत खूब खूब इंजॉय करें रंगों के साथ, ये रंगों का त्यौहार है, खूब इंजॉय करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सब बताया। और पन्नू दा तो महान है हमारे, की तो तारीफ करूँ तक हमें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया, तो फैमिली पहुंचे।
बहुत धन्यवाद। और देखिए किस तरह पहाड़ी फिर हिंदी फिर पहाड़ी और रोग नचाया अपने आप में, एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति इस मंच पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी शख्सियत जिन्होंने घर घर तक हमारी बोली भाषा को पहुंचाया है, हमारी संस्कृति को पहुंचाया है, और पीआर फिल्म के निर्माता श्री प्रेम सिंह जी और राजेंद्र भट्ट जी पर मंच पर। तो गौर साहब, मैं चाहूंगा कि आप गुगू जी के इस बड़े मंच पर आप ये दोनों भाइयों को मंच पर लेके आए, जरा ताली जरा जोरदार भाई। वैसे तो प्रेम भाई एक उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, लेकिन अपने पहाड़ के लिए वो काम कर रहे हैं और हमारी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, और समय निकाल कर हमेशा पहाड़ों में जाते हैं, कलाकारों से मिलते हैं, और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो प्रेम भाई, इतने भव्य मंच पर आपका स्वागत है, भट्ट जी स्वागत है आपका। और जो परंपरा है एक हमारे इस रंगो उत्सव गुरुमती फाउंडेशन की, उसको निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारे दोनों भाई देखिए कितनी सुंदर जोड़ी दोनों भाइयों की, और हर मंच पर दोनों भाई हर जगह कदम से कदम मिला के चलते हैं, हमारे प्रेम भाई और राजेंद्र भाई। तालियां बनती जरा सोदार भाई सम्मान के लिए। स्मृति चिन्ह मैं चाहूंगा कि फोटोग्राफर साहब इस शानदार पल को आप कैद कर लीजिए अपने फोटो में। हजारों को एक माला की तरह प्रयोग रखती है अंकिता जी, थोड़ा आगे भी जरा देख लीजिए आप, जरा ताली जरा भाई जोरदार अंकिता जी के लिए। बड़े बड़े गानों में आपकी शख्सियत भी है जिनके भरोसे हम लोग अपने घरों में सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। आज हमारे बीच में एसीपी साहब पीएस नेगी जी, जो कि मैं चाहूंगा एक बार जरा मंच पर लेके आए पीएस नेगी जी को, जरा तालियां जोरदार एसीपी साहब को जरा मंच पर लेके आए। नेगी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे भाई है, और जब कभी भी कोई ऐसी विपदा आती है हमारे एसीपी साहब को मंच पर लेके आए, तालियां भाई जरा जोरदार नेगी जी के लिए। करेक्शन कर दूं, मैं एसीपी इंस्पेक्टर हूं, हमारे आप डीसीपी कमिश्नर साहब, क्योंकि आप हमारे पहाड़ियों की आप इतनी सेवा करते हैं। जब कभी कोई काम होता है, कभी भी कोई ऐसी चीज होती है, हम इन्हें फोन करते हैं कि हम यहाँ पर हमें दिक्कत है, तो हमें पूरा समझाते, पूरा गाइड करते हैं हमारे नहीं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी के सभी आए मंच पे। तो गाने भी पहाड़ी चलने चाहिए, तो ये गाने की बड़ी फरमाइश हो, मेरा फेवरेट गाना है, मैं अक्सर गाता हूं। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो पीछे मेरे यार दोस्त बैठे हैं, आप लोगों नाचोगे ना दोस्तों पक्का? कौन कौन नाचेगा हाथ खड़ा करो एक बार भाई। देखिए आपने जितने भी गायक कलाकार है, आपने सबके साथ डांस किया, आप मेरे साथ नाचोगे ना पक्का? एक बार हाथ खड़ा करो, कौन कौन नाचेगा भाई? यहां से नाचोगे इधर से? हाँ दो चार लोग यहां पे भी। तो चलिए I'm
Thank you.
पहाड़ियों में